नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त विक्रम सिंह एक बार फिर हाजिर हूं आप सभी के सामने एक और दमदार वीडियो के साथ। दोस्तों, आज मैं उन दोस्तों के लिए, उन भाइयों के लिए एक अच्छी खुशखबरी लेके आया हूं दोस्तों, जो भारतीय वायुसेना ज्वाइन करना चाहते हैं। हाँ दोस्तों, जो भारतीय वायुसेना ज्वाइन करना चाहते हैं, आज ये वीडियो उन लोगों के लिए है। तो आज हम इस वीडियो में दोस्तों बात करने वाले हैं एफकैट के बारे में, एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट। दोस्तों, इसके बारे में हम पूरी कंप्लीट से इस वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों, आपका सपना है भारतीय वायुसेना ज्वाइन करने का, फ्लाइंग एज ए फ्लाइंग ऑफिसर, एज ए ग्राउंड ड्यूटी ऑफिसर, तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। दोस्तों, उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ दोस्तों कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बनने वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूं डिफेंस से रिलेटेड तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप मेरे द्वारा डाले गए वीडियो को सबसे पहले देखें और अपने नॉलेज को बढ़ाएं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। तो चलिए हम बात करेंगे, शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस वीडियो की, जिसमें हम बात करने वाले हैं एफकैट के बारे में। आपको पता ही होगा शायद कि एफकैट का नोटिफिकेशन एक सप्ताह पहले आ चुका है दोस्तों, जिसके फोरम भी स्टार्ट हो चुके हैं। एफकैट के बारे में मैं सबसे पहले आपको एफकैट की जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं उनके बारे में आपको बता देता हूँ। दोस्तों, इम्पोर्टेंट डेट्स कौन कौन सी हैं हमारे लिए, देखिए एफकैट के जो फॉर्म हैं वो फिलअप होना 1 तारीख से स्टार्ट हो चुके हैं, 1 दिसंबर से दोस्तों, जिसकी लास्ट डेट है 30 दिसंबर। दोस्तों, आपको 30 दिसंबर से पहले पहले फॉर्म अप्लाई करना होगा। आपकी लास्ट डेट है जो पेमेंट की वो भी 30 दिसंबर है। आपकी एग्जाम डेट है वो अबाउट समथिंग फेब्रवरी में होगी दोस्तों, इसमें नोटिफाइड है, मतलब वो अभी तक कंफर्म नहीं है लेकिन अबाउट समथिंग फेब्रवरी फिक्स है। आपके एडमिट कार्ड भी फेब्रवरी में ही आएंगे दोस्तों। तो चलिए आपके लिए मैं बात करते हैं, आप फ्लाइंग ऑफिसर के ज्वाइन करना चाहते हैं तो पहला ऑप्शन है आपका फ्लाइंग ब्रांच का दोस्तों, एफकैट एंट्री है इसमें। इसमें आपकी एज 20 से 24 साल होनी चाहिए और आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए फिजिक्स और मैथमेटिक्स के साथ दोस्तों, 10+2 लेवल पर आपके पास बी या बीटेक की डिग्री ज़रूरी है इसके अंदर दोस्तों। चलिए सेकंड हम बात करें, जो ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल ब्रांच है इसके अंदर आपकी एज 20 से 26 साल होनी चाहिए। इसमें आपकी ईयर भी लिखी हुई है 1995 से 2001 होनी चाहिए आपकी एज। इसमें इसके लिए आपके पास जो क्वालिफिकेशन है वो इंजीनियरिंग डिग्री, जो एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग है की डिग्री आपके पास होना जरूरी है दोस्तों। इसके बाद में अगर हम जो हमारी नॉन टेक्निकल ब्रांचेज हैं उनकी अगर हम बात करें तो देखिए हमारा पहला आता है एडमिनिस्ट्रेशन एंड लॉजिस्टिक्स, जिसके अंदर आपकी एज 20 से 26 साल होनी चाहिए और आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए दोस्तों, 60% मार्क्स के साथ मिनिमम। सेकंड आता है अकाउंटेंट्स, अकाउंटेंट्स के लिए आपके पास उम्र 20 से 26 साल होनी चाहिए और आपके पास इसमें भी बैचलर डिग्री होनी चाहिए, वो कॉमर्स के अंदर होनी चाहिए, बीकॉम, कम से कम 60% मार्क्स के साथ दोस्तों। चलिए नेक्स्ट अब हम बात करते हैं जो हमारे इसका नेक्स्ट पार्ट है एजुकेशन। अगर आप एजुकेशन की ब्रांच ज्वाइन करना चाहते हैं वायुसेना में एफकैट के थ्रू तो दोस्तों आपकी उम्र 20 से 26 साल होनी चाहिए, आपके पास एमबीए, एमसीए, एमए, एमएससी डिग्री होना 50% मार्क्स के साथ जरूरी है दोस्तों। नेक्स्ट मेट्रोलॉजी की उम्र है 20 से 26 साल, जिसके लिए आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए, वो किसी भी सब्जेक्ट से हो सकती है दोस्तों, किसी भी स्ट्रीम से हो सकती है दोस्तों। भारतीय वायुसेना दोस्तों, अगर आपको ये बहुत ही बड़ा आपका सपना है तो आपको इसके लिए अच्छे से प्रिपरेशन भी करनी है दोस्तों। अगर आपके पास एनसीसी है दोस्तों, एनसीसी की ये स्पेशल एंट्री होती है, इसके लिए आपकी उम्र 20 से 24 साल होनी चाहिए और एनसीसी का जो सी सर्टिफिकेट होता है एयर विंग का, वो आपके पास होना ज़रूरी है, जिससे आप भारतीय वायुसेना आसानी से ज्वाइन कर पाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हमने बात की है बेसिकली भारतीय वायुसेना के अंदर एफकैट की एंट्री से आप कैसे एंटर कर सकते हैं दोस्तों। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, आपका कोई क्वेश्चन है तो उसे कमेंट करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों में, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में सभी जगह शेयर करें दोस्तों, हर जगह फैला दें दोस्तों, ताकि आपकी मदद से हमारे हमें सपोर्ट मिल सके और हम आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे और वीडियो अवेलेबल करवा सकें। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दे और वीडियो को शेयर कर दे अपने दोस्तों के अंदर। थैंक यू दोस्तों।